नए साल में ले नया प्रण, महिलाएं घर बैठे कैसे करें जॉब, 2022 के लिए जानिए खास टिप्स। आज के युग को अर्थ युग कहते हैं। इस युग में हमेशा आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी हालत प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष बनी रहती है। इसके लिए पूरा परिवार समस्याओं से जूझता रहता है। वैसे भी पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में ऐसी तबाही मचाई है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पैसे का इंतजाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन सहित अनेक प्रतिबंधों के कारण जिन व्यापारियों, फैक्ट्रियों, कल कारखाने वालों को जो नुकसान हुआ है, वो अनलॉक होते ही बिजनेस चलाकर भरपाई कर रहे हैं। वो कमाई तो कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्मचारियों और नौकरों को पूरी पगार नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए मंदी का रोना रो रहे हैं। इस समस्या का एक समाधान सामने आया है। यदि आपके घर में महिलाओं के पास समय है और उनमें कोई हुनर है, तो वो घर बैठे जॉब करके कुछ कमाई कर सकती हैं और अपने परिवार को खुशहाल बना सकती हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ट्रेंड हो, अनुभवी हो या कम पढ़ी लिखी हो, बिना पढ़ी लिखी हो, सभी को घर बैठे जॉब मिल सकता है। घरेलू कामकाज में दक्ष महिलाएं भी अपनी मेहनत से घर परिवार को चमका सकती हैं। महिलाओं को गृह लक्ष्मी इसीलिए तो कहा गया है। महिलाओं को गृह लक्ष्मी भी कहा जाता है। ये सत्य है कि यदि कोई महिला चाहे तो वो अवश्य ही गृह लक्ष्मी बन सकती है। आज भी घर से जॉब करके अपने परिवार को खुशहाल तो बना ही सकती है, साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बन सकती है। अब सवाल ये उठता है कि महिलाएं घर बैठे जॉब कैसे कर सकती हैं? महिलाएं घर बैठे कौन कौन से जॉब कर सकती हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको यहां मिलने वाले हैं। जानिए घर बैठे कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं महिलाओं को। आइए सबसे पहले तो हम ये सोचें कि महिलाएं घर से ही कौन कौन से जॉब कर सकती हैं। महिलाएं घर से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के काम कर सकती हैं। अधिक पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए ऑनलाइन काम की कोई कमी नहीं है और आमदनी भी अच्छी होती है। कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए भी काम की कमी तो नहीं रहती, लेकिन उनकी आमदनी उनके पढ़ाई लिखाई और योग्यता के अनुसार ही हो पाती है। इसके अलावा घरेलू कामकाज में अनुभवी अनपढ़ महिलाएं भी घर बैठकर काम करके आमदनी कर सकती हैं। स्किल्ड और पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए ऑनलाइन जॉब्स। आइए देखते हैं महिलाओं के लिए ऑनलाइन जॉब्स कौन से हैं। टीचिंग जॉब। ऑनलाइन टीचिंग जॉब में अपार संभावनाएं हैं। यदि आप किसी खास विषय की एक्सपर्ट हैं, तो आपको ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूशन और अपने विषय की एक्सपर्ट राय आदि की जॉब घर बैठे मिल सकती है। इससे काफी अच्छी आमदनी हो सकती है। आप पढ़ाई लिखाई के अलावा सिलाई, कढ़ाई, योगा, संगीत, फिटनेस, फैशन आदि के बारे में भी लोगों को टिप्स देकर अच्छी कमाई कर सकती हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग। यदि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो आप पब्लिकेशन से जुड़कर किताबों की डिजाइनिंग कर सकती हैं। इसके अलावा मैगजीन्स, समाचार पत्रों, बैनर, पोस्टर, फ्लैग्स आदि की डिजाइन करके अच्छी खासी कमाई कर सकती हैं। फैशन डिजाइनिंग। यदि आपको फैशन डिजाइनिंग में विशेषज्ञता हासिल है, तो अनेक कंपनियां आपकी तलाश में हैं। आप इस क्षेत्र में घर से ही काम करके अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर सकती हैं। फ्रीलांसिंग। यदि आप जागरूक महिला हैं और आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है और रोज रोज की घटनाओं से अपडेट रहती हैं, तो आप किसी भी विषय का विश्लेषण कर सकती हैं। आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकती हैं। एक बार आपके लेख मशहूर हो जाए तो आपको काम मिलना आसान हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग। यदि आप अपनी बातों से आकर्षित कर सकती हैं, आप सामने वाले को अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से समझा सकती हैं, तो आपको उन कंपनियों में अच्छी जॉब घर बैठे ही मिल सकती है जो इस तरह का काम करती हैं। इसके लिए आपको अच्छा वेतन और कमीशन भी मिल सकता है। कंटेंट राइटिंग। यदि आप किसी भी विषय पर किसी भी कंपनी, फर्म की डिमांड के अनुरूप लेखन का कार्य कर सकती हैं, तो आज के समय में आपके लिए बहुत अच्छे अवसर हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स अपने वीडियो के लिए कंटेंट लिखवाते हैं, वेबसाइट वाले अपने लिए लेख लिखवाते हैं, अखबारों, मैगजीनों और पब्लिकेशंस में इस तरह के कंटेंट लिखवाए जाते हैं। यहां से आपको बहुत अच्छे वेतन और प्रति लेख अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आप किसी कंपनी की सोशल मीडिया का मैनेजमेंट अपने घर से देखकर भी अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। इसके लिए आपको सोशल मीडिया से जुड़े प्रत्येक काम आने चाहिए। इसके अलावा डेटा एंट्री, ब्लॉगिंग, यूट्यूब पर वीडियो बनाना, एफिलिएटिंग मार्केटिंग, ऑनलाइन सर्वे, मिनी मैरिज ब्यूरो, कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव जैसी जॉब भी महिलाओं के लिए अच्छी कमाई वाली होती है। कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए भी है ये जॉब्स। ये तो बात हुई पढ़ी लिखी और अनुभवी महिलाओं की। अब बात करते हैं कम पढ़ी लिखी या बिना पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए घर बैठे जॉब की। आप शहर, गांव, कस्बे, महानगर या मेट्रो सिटी में कहीं भी रहती हैं, आप किसी कारण और परिस्थितिवश पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में रहकर अपना और अपने परिवार के लोगों का पेट पालने का काम तो करती ही होंगी। कहने का मतलब ये है कि आपको रसोई का काम तो आता ही होगा। यदि वही काम आपको पैसे कमाने के लिए करना पड़े, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोर्स सीखकर घर से बढ़ा सकती हैं आमदनी।
इसके अलावा बिना पढ़ी लिखी महिलाओं में यदि कुछ सीखने की इच्छा हो और कोई काम सीखकर पैसा कमाने की इच्छा हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग, सोप मेकिंग, बेकिंग, पापड़ मेकिंग, अचार मेकिंग, पैकिंग आदि का काम सीखकर अच्छी खासी कमाई कर सकती हैं। अधिकांश घरेलू महिलाओं को पापड़, अचार और खाना बनाना तो आता ही है। अनेक कंपनियां अपने लिए बड़े पैमाने पर इस तरह का काम करवाती हैं। इसके लिए उन्हें घरेलू महिलाओं की आवश्यकता होती है। इस तरह से कम पढ़ी लिखी और बिना पढ़ी लिखी घरेलू महिलाओं को भी जॉब मिल सकता है, जो अच्छी आमदनी प्राप्त करके अपने परिवार को खुशहाल बना सकती हैं। महिलाएं कैसे तलाशें वर्क फ्रॉम होम? इसके बाद इस बात को लेकर जिज्ञासा सबसे अधिक उत्पन्न होती है कि अब घर बैठे जॉब मिल कैसे सकते हैं, क्या किया जाए कि जॉब मिले। इसमें पढ़ी लिखी महिलाओं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से करें कंपनियों की तलाश। आज के ऑनलाइन युग में हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉइड फोन और इंटरनेट होता है। आप उससे दुनिया भर में अपनी जरूरत की हर चीज की तलाश कर सकते हैं। इसी तरह आप गूगल पर सर्च करके अपनी मनपसंद और अपनी योग्यता और क्षमता वाली ऑनलाइन जॉब भी आसानी से खोज सकती हैं। अपना ईमेल बनाएं, फेसबुक पर अकाउंट बनाएं। इसके लिए सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल बनाकर फेसबुक में डालें। इसके साथ ही आप एक अच्छा रिज्यूमे यानी कि बायोडाटा बनाकर भी इंटरनेट पर ईमेल के माध्यम से डाल दें। आप जब अपनी मनपसंद की जॉब के लिए जॉब देने वाली कंपनियों की वेबसाइट पर अप्लाई करेंगी तो वहाँ से आपको रोजाना ही नई नई नोटिफिकेशन यानी कि सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। यहाँ आप फोन करके अपनी पसंद की जॉब पा सकती हैं। इस मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपको कंपनियों की कुंडली खंगालनी होगी। ये देखना होगा कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनके काम और पेमेंट की शर्तें सही हैं या फिर नहीं। कहीं आप धोखेबाज और ठग कंपनी के जाल में तो नहीं फंस रहे, जिसके बाद में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। इस काम से मिलेगी मदद। इसके अलावा आपको अपने परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों की मदद से उन ग्रुप्स में शामिल हो जाना चाहिए जहां पर आपकी मनपसंद की जॉब से जुड़े लोगों की संख्या अधिक हो। इससे आपको अच्छी जॉब तलाशने में काफी आसानी होगी। कम पढ़ी लिखी महिलाओं को करना होगा ये काम। कम पढ़ी लिखी या बिना पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए जॉब तलाशना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ऐसी महिलाओं को थोड़ी बहुत सोशल एक्टिविटी करनी होती है। इस तरह से करें शुरुआत। इस तरह की महिलाएं अचार, पापड़, बेकरी प्रोडक्ट, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, नमकीन, भुजिया और अन्य खाने पीने का सामान थोड़ा थोड़ा बनाएं और अपने रिश्तेदारों, मित्रों, पड़ोसियों को टेस्ट के लिए दें। साथ ही उन्हें ये बताएं कि वो ये सामान बिक्री के लिए तैयार कर रही हैं। इसका जितना अधिक प्रचार होगा उतना ही उन्हें फायदा मिलेगा। ये हैं कुछ लाभकारी टिप्स। इसके अलावा ये कम पढ़ी लिखी महिलाएं यदि सोशल मीडिया पर एक्टिव हो सके तो वहाँ पर भी इस तरह की जानकारी दें या ऐसे ग्रुप से जुड़ जाएं जहाँ पर इस तरह का व्यापार होता हो। इससे इस तरह के उद्योग से जुड़ी कंपनियां इन महिलाओं को घर पर ही अपना काम करा सकती हैं। कितने तक की हो सकती है कमाई? अब सवाल ये भी उठता है कि घर पर मिलने वाली इस तरह की जॉब से महिलाओं को प्रति माह कितनी कमाई हो सकती है। ये बात महिलाओं के स्किल पर निर्भर करती है। पढ़ी लिखी महिलाओं की टीचिंग, फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसी जॉब करने वाली महिलाओं को अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। वहीं डेटा एंट्री, टाइपिंग वर्क, ब्लॉगिंग, टेलीकॉलर जैसे जॉब के लिए भी आपको ठीक ठाक वेतन मिल सकता है। ऑफलाइन काम करने वाली कम पढ़ी लिखी महिलाओं को मेहनत और हुनर के आधार पर आय हो सकती है। कुछ खास बातें। घर बैठे जॉब में महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, तभी उनके काम की तारीफ होगी और उनको जॉब के चांस अधिक मिल पाएंगे। काम मिलने पर उस काम को सही समय पर सही तरीके से किया जाना चाहिए। किसी भी काम को मना नहीं करना चाहिए, उसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी हो। किसी भी तरह की समस्या आने पर कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति को तत्काल सूचित करना चाहिए ताकि कंपनी के अधिकारी काम न होने की जिम्मेदारी आप पर ना थोप सके। काम साफ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इससे आपकी मार्केट में गुडविल बनेगी। काम करने से पहले ही अपना वेतन या काम के बदले में पैसे की बात को बिना किसी संकोच के तय कर लेना चाहिए। हो सके तो ये बातें लिखित रूप में होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर सुबोध के तौर पर दिखाया जा सके। क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी काम करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कंपनी से आई कॉल को रिसीव करने में देर नहीं करनी चाहिए। कॉल का जवाब बहुत सोच समझकर कम शब्दों में मध्यम स्वर में देना चाहिए। कंपनी के अधिकारी से बात करते समय उसको पूरा सम्मान देना चाहिए। किसी तरह के विवाद से हमेशा बचना चाहिए। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको अपनाकर आप घर बैठे अच्छी कमाई कर सकती हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।